स्टूडेंट्स, आई एम जेके सर, ब्रिलियंट इंग्लिश एंड सोशल साइंस स्टडी पॉइंट फ्रॉम पटना। आज मैं आपके लिए पोएम का तीसरा लेशन पॉलिथीन बैग लेकर आया हूं। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। परीक्षा में, हर परीक्षा में, हर एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग और एडिटिव दो तीन क्वेश्चन उसमें रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और देखिए। जब भी पोएम का डिस्कशन देखिए या सुनिए तो किताब लेकर के सामने बैठ जाइए और मैं जो एक एक शब्द का एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर अपनी निगाह और उंगली रख करके और उसको समझिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसको समझिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव पर कमांड हो जाए। तो देखिए, पहले हम लोग कवि परिचय करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉलिथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पंडा। राइटर कौन है, यह भी क्वेश्चन बनेगा आपके भी कि हु हैज रिटन द पॉलिथीन बैग, तो लिखना होगा दुर्गा प्रसाद पंडा। ध्यान दीजिएगा, दुर्गा प्रसाद पंडा ऑक्युपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर। करा है कि दुर्गा प्रसाद पंडा उड़िया साहित्य समझते हैं, जो उड़ीसा का भाषा है। उड़िया क्या है, एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो उड़िया भाषा के प्रख्यात कवि, उस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया है, ऑक्युपाइज कर लिया है। दुर्गा प्रसाद ऑक्युपाइज ए प्रोमिनेंट पोजिशन, प्रख्यात स्थिति स्थान इन उड़िया लिटरेचर, उड़िया साहित्य में। प्राइमरली ए लिंग्विस्ट, दुर्गा प्रसाद प्रारंभिक तौर पर क्या थी, एक भाषाविद थे, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मीन्स भाषाविद, आप अपने मीनिंग में देख लीजिए। पंडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश, दुर्गा प्रसाद पंडा अंग्रेजी में कविताएं भी लिखते हैं। एक चीज कविता में ध्यान दिएगा कि इनकी सारी भाषा जो है, टेंस जो है, प्रेजेंट इनफिनिट में है। कविता भी प्रेजेंट इनफिनिट में है, तात्त्विक का हमेशा व्यवहार होगा, ध्यान दीजिएगा। पंडा ऑल्सो राइट्स, प्रेजेंट इनफिनिट है, पोएट्री इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कविताएं भी लिखते हैं। एंड समटाइम्स और कभी कभी ट्रांसलेट उड़िया पोएम्स इन टू इंग्लिश, उड़िया का जो कविता है, उड़ीसा भाषा में जो उड़िया भाषा में जो कविता है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी करते हैं, अनुवाद भी करते हैं। यहां भी ट्रांसलेट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको प्रेजेंट इनफिनिट, उड़िया का जो कविता है उड़िया भाषा का उसको हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। किसमें, वॉइस वर्सा, वॉइस वर्सा मतलब गदपद में अनुवाद करते हैं। हिज किसके लिए आया, दुर्गा प्रसाद पंडा के लिए। हिज फेमस वर्क्स आर सवर्णी और रेज, इसको रट जाइए, हर परीक्षा में पूछता है रेज और सवर्णी किनकी लिखी हुई कविता है। हु हैज रिटन सवर्णी, हु हैज रिटन रेज, बहुत महत्वपूर्ण इनकी कविता है, फेमस कविता है, हर परीक्षा में पूछता है, इसको रट जाइएगा। हिज फेमस वर्क्स आर सवर्णी और रेज इन द प्रेजेंट पॉइंट, ये जो प्रस्तुत पाठ है, कविता है पॉलिथीन बैग जो हम लोग पढ़ रहे हैं। He touches on the pressing issue of polythene bag. आज का जो वर्तमान परिस्थिति है पोलिथीन बैग पर, उसको स्पर्श किया है कवि ने। अभी आप देख रहे हैं कि पोलिथीन बैग पर बैन लग रहा है, बंधन लगा हुआ है, प्रतिबंध लग गया है, पोलिथीन बैग आपको पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो उसी पर उन्होंने चर्चा किया है दुर्गा प्रसाद पंडा ने। एंड द इविल कॉन्सेप्ट इन इट एनवायरमेंट, और इसका जो पर्यावरण पर बुरा परिणाम है, कंसेप्ट मतलब परिणाम, इविल मतलब बुरा परिणाम है, उसका चर्चा किया, उसको स्पर्श किया। यहां भी टचेज है प्रेजेंट इनफिनिट, टोटल कविता प्रेजेंट इनफिनिट में कि पॉलिथीन बैग का जो वर्तमान स्थिति है उसका उन्होंने चर्चा किया, उसको स्पर्श किया, टचेज किया। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन, इस कविता की शक्ति जो है तुलना के रूप में, किसकी तुलना, बिटवीन ह्यूमन इमेशन एंड मंडन थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग, मानव की भावना, ह्यूमन मतलब मानव, इमेशन मतलब भावना, और एक मॉन्डन थिंग मतलब मॉन्डन मैंने सांसारिक चीज, किसको माना है, लाइक अ पॉलिथीन बैग,
एक संसारिक चीज है पॉलिथीन बैग, उस पॉलिथीन बैग की तुलना कवि ने मानव की भावना से किया है, इमोशन से किया है। ये हुआ कवि का परिचय। अब आप पाठ में आ जाइए, पाठ का भी एक एक चिन्ह समझिएगा। हर्ट इज द सच एस्टेंट पॉलिथीन, यह जो पॉलिथीन बैग है एक विचित्र प्रकार का चोट है, दुख है, दर्द है। किस रूप में? विच नेवर गेट डिसॉल्व इन टू द अर्थ कस्ट। कभी कहता है कि पॉलिथीन की अजीब चोट है, दर्द है, आघात है, दुख है, कि कभी भी नेवर गेट डिसॉल्व, या कभी भी धरती पर गलता नहीं है, धरती के अंदर या धरती के ऊपर क्रस्ट कभी गलता कभी घुलता नहीं है, नेवर डिसॉल्व, या कभी घुलता ये धरती के ऊपर अर्थ क्रस्ट, न तो भीतर न तो ऊपर कभी घुलता कभी पिघलता कभी गलता नहीं है। When touch it, it means पॉलिथीन बैग है, जब इसे छुआ जाए, स्पर्श किया जाए, makes a squishy noise, एक फरफर की आवाज करता है। देखते हैं अब देहात में बच्चों को, कि बच्चे जब उसका नाक बांध करके डोरा में चलते हैं हवा के विपरीत, तो फरफर आवाज करता है, फरफरानी की आवाज करता है। When burnt it, फिर इट आया किसके लिए? पॉलिथीन बैग, जब इसे जला दिया जाए, यानी पॉलिथीन बैग को जला दिया जाए, जब छुआ जाए तो स्कूटी की नोइज करता है, फरफराने की आवाज करता है, छुआ जाए तो assumes a potent smell, एक विषैला गैस, विषैला गंध, स्मेल धीरे धीरे, स्कूट मतलब धीरे धीरे छोड़ता है, एक विषैला गंध छोड़ता है, स्वाभाविक है। जब पॉलिथीन बैग को जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित करता है, एक विषैला गैस निकलता है उससे। नेक्स्ट है, वेन लेफ्ट इट टू डी इट्स, कभी कह रहे हैं कि यदि इसे स्वयं को छोड़ दिया जाए, न जलाया जाए न छुआ जाए, छोड़ दिया जाए, इट्स पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, तो पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। इट्स पोल्यूट्स द पर्यावरण, भी पोल्यूट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट B5 लगा हुआ है। कैसे करता है आप देखते होंगे, देहात में, शहरों में चले जाइए, शहर के जितने नाले हैं पोलिथीन बैग से उसका मुंह जाम है। देहात में देखिए पोलिथीन बैग जहां तहां उड़ रहा है, चूंकि न गलता है न घुलता है। नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट लाइक द पोलिथीन बैग, ठीक पोलिथीन बैग की तरह। हिज किसके लाया? पूरे मानव के लिए आया। हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन, मानव का हृदय भी पिघल जाता है, पॉलिथीन बैग की तरह मानव का हृदय भी पिघल जाता है। कब? विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्म, छोटी सी गर्माहट से यदि उसे स्पर्श किराया जाए तो क्या होता है? गल जाता है। कैसे? आप ध्यान दीजिएगा कि पॉलिथीन बैग को आग में मत रखो, आग से कुछ दूर पर रखो तो वह सिकुड़ जाता है, गल जाता है। ठीक कवि ने मानव हृदय की तुलना किया है कि यदि मानव के हृदय पर भी चोट किया जाए तो मानव का हृदय बिल्कुल सिकुड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। किस परिस्थिति में? कि यदि आप किसी को खूब परिस्थिति में, संकट में, आपद विपत्ति में मदद किया हो, यदि वह आदमी मुकर जाए, आपकी मदद न करे परिस्थिति में, तो क्या होता है? आपके हृदय पर चोट आता है। तो इसी भावना को कवि ने उभारा है, किससे तुलना किया? किससे? पॉलिथीन बैग से। नेक्स्ट देखिएगा, बट डीप इन साइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन, कभी अभी कह रहे हैं कि धरती के ऊपर छोड़ दिए तो गलता घुलता नहीं, यदि पूरा करकट में गहरे पूरे दान में गाड़ दिया जाए, बिन मतलब पूरा दान, पॉलिथीन गार्बेज में तो पूरा करकट में गाड़ दिया जाए, फार एवे फ्रॉम एवरीवन गेज, यदि सबों की नजर, यानी कि गेज मतलब नजर से दूर भी कर दिया जाए तो क्या? कीप ऑन ग्रोइंग द जर्म्स ऑफ डिजीज, कीप ऑन ग्रोइंग, उसमें क्या होता है कि बीमारियों के कीड़े उपजते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। गौर कीजिएगा, द जर्म्स ऑफ डिजीजे, बीमारियों के कीड़े, जर्म्स ऑफ द कीड़े, कीप ऑन ग्रोइंग, ग्रोइंग बढ़ते रहते हैं। स्वाभाविक है कि यदि पॉलिथीन बैग में कुछ बांध के फेंक दीजिए तो सर करके उसमें कीड़ा पड़ जाता है। कभी तीनों चीज कहा, छोड़ दीजिए तो भी गड़बड़, नीचे गाड़ दीजिए तो भी गड़बड़, या घुलता उलता नहीं, बल्कि जर्म्स ऑफ डिजीज को बढ़ाता है, कीड़े मकोड़े बढ़ाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है पहला, द पॉलिथीन बैग रिमेंस बरीड विद इन, कभी का सही अनुमान है कि पॉलिथीन बैग नीचे गड़ के भी बना रहता है, रिमेंस वह घुलता नहीं है, बना रहता है, रिमेंस रहता है, बरीड मतलब गड़ा हुआ, विद इन मतलब के अंदर, ओनली द पेन बाय द हर्ट कीप्स बैग एंड अगेन, लेकिन उससे यही कारण है कि पॉलिथीन बैग से
बार बार दर्द होता है, दुख होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। पूरे कविता का भावार्थ यही है। आप जब भी मेरा वीडियो देखें, खास करके जब मैं ट्रांसलेट करता हूं एक एक पॉइंट को, तो सामने किताब रख करके बैठ जाइए, नजर रखिए किताब के पॉइंट पर, लाइन पर, एक एक लाइन देखिए, समझिए, पढ़िए और उसको याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपका टाइप है। फिर अगला कविता अगले वीडियो में देंगे, तब तक के लिए नमस्कार।